एग्रेसर का रोल प्ले कर रहे थे, तो वो एक एग्रेसिव शॉट के चक्कर में आउट हुए। तो आई थिंक अभी तक जो विकेट गिरे हैं वो विकेट ऐसा नहीं माना जा सकता कि पिच की डिटेरियट होने की वजह से कोई खास चेंज हुआ है जिस वजह से प्लेयर्स खेलने में डिफिकल्टी पा रहे हैं। पुजारा और ऋषभ पंत ने काफ़ी अच्छा खेला कल, लेकिन आई थिंक कुछ थर्ड सेशन में, लास्ट सेशन के अंदर कुछ बॉलें जो है, कुछ गेंदें जो थी वो थोड़ा टर्न दिखा रही थी, थोड़ा थोड़ा डस्ट से उठकर वेरिएट कर रही थी, बट आई थिंक इतना डे थ्री में जितना एक्सपेक्ट था डिटेरेट करेगा उतना नहीं हुआ। तो आज चांसेस हैं कि स्पिनर्स ओल्ड बॉल से थोड़ा ज्यादा टर्न कराने में हेल्प पा पाएंगे। जी, ऐसा लगता है जो मैच से पहले कवर्स रखे गए थे पिच पे और जो थोड़ी सी घास छोड़ी गई थी उसका फायदा मिला है और पिच इतनी नहीं टूटी है अभी तक, सो इट्स स्टिल इंटैक्ट। एंड अनदर थिंग दैट शुड कम अप इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिसमिसल्स ऑफ शुभमन गिल इन पर्टिकुलर। आफ्टर दैट आई थिंक विराट कोहली वाज गॉटन आउट अकॉर्डिंग टू अ प्लान। चेतेश्वर पुजारा की तो डिसमिसल काफी अनलकी रहा। अजिंक्य रहाणे ऑल्सो गॉट आउट टू जो रूट्स फैबुलस कैच। शुभमन गिल डू यू थिंक ही गॉट ओवर कॉन्फिडेंट देयर एंड जस्ट केप्ट ड्राइविंग ऑन द अप और शुड ही क्या वो अपने आप को रोक सकते थे उस स्ट्रेट ड्राइव को मारने से? आई थिंक उन्होंने जो शॉट खेला था ऑन साइड पे वो थोड़ा जल्दी खेल गए, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया है पिच स्लो है, तो पिच बल्लेबाज एक्सपेक्ट करते हैं कि गेंद जिस स्पीड से आ रही थी, जोफ्रा आर्चर की जो स्पीड है उस स्पीड से पिच ने थोड़ा रोका गेंद को, जिस वजह से शुभमन गिल अपने शॉट को पहले खेल गए और बॉल जो है ऑन साइड पे आराम से कैच हो गया। तो आई थिंक शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे थे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, जो उनका स्ट्रेट ड्राइव था वो आई थिंक शॉट ऑफ द डे था मेरे लिए तो। लेकिन आई डोंट थिंक कैरिड अवे माना जाएगा, बस वो थोड़ा जल्दी खेल गए क्योंकि उनका उनका इंटेंशन यही था कि जितना जितना जल्दी रन बना सके और जितना जितना फ्लुएंटली खेल सके, उनके उनका गेम प्लान वही रहा था। क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा शुभमन गिल फोर्थ इनिंग्स में भी बिल्कुल अपने गेम प्लान के हिसाब से खेल रहे थे, तो आई डोंट थिंक वो कैरिड अवे हो गए, गेंद थोड़ा रुका था इस वजह से आई थिंक उनका डिसमिस हो रहा। जी बिल्कुल। और अगर आप ऋषभ पंत की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज अप्रोच, लिविंग बाय द स्वॉर्ड डाइंग बाय द स्वॉर्ड? क्या उनकी शॉट सिलेक्शन बेटर हो सकती है, इन गेम में मैच्योरिटी आ सकती है? क्योंकि जैक लीच को उन्होंने जितने भी सिक्सेस मारे ही पिक द राइट डिलीवरीज। वी सॉ व्हेनेवर ही वेंट फॉर द बिग शॉट ही पिक द राइट डिलीवरीज, इवन वेंट फॉर द स्कूप शॉट बिहाइंड बिहाइंड फाइन लेग, वहां पे भी हमने देखा उन्होंने सही डिलीवरी पिक की। बट द वे ही गॉट आउट टू द ऑफ स्पिनर, the ball was turning away from him. Should he have just kept going after Jack Leach, या फिर उनका अप्रोच सही था और इस तरीके में आउट हो जाना it's justified? What do you think? What do you make of his approach overall? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद ऋषभ पंत की अप्रोच को क्वेश्चन करना आउट ऑफ द सिलेबस रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ऋषभ पंत का गेम ही ये है। वो आएंगे, वो शॉट्स खेलेंगे, या तो वो गो फॉर ऑल है या फिर वो नथिंग। जैसे हमने उनके स्टैट्स देखे हैं, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वो 90s 80s से ऊपर जाते हैं, या फिर वो 39 या उससे कम में आउट हो जाते हैं। तो ऋषभ पंत का गेम हमेशा यही रहा है कि ऑल और नथिंग। तो वो उनका माइंडसेट और उनका गेम प्ले आई थिंक जैसा उन्होंने कल खेला वो सही था। जैसे इंडिया 77 पे 4 आउट हो गए थे, प्रेशर में थे, उन्होंने आके प्रेशर थोड़ा कम किया, 4 के रन रेट से स्कोरिंग रखी, और हमने उससे देखा कि पुजारा में भी काफी कॉन्फिडेंस आया उनके साथ खेलने के बाद, और पुजारा भी काफी कंफर्टेबली स्कोर कर पा रहे थे और एक अच्छी पार्टनरशिप फॉर्म की थी। तो आई थिंक ऋषभ पंत का गेम ऐसा ही है, वो अभी 23 साल के ही हैं, छोटे हैं, गेम्स इंटरनेशनल में अभी उनका स्टार्ट हुआ है करियर, तो धीरे धीरे वो मेच्योरिटी आएगी, बट आई थिंक अभी हमें उनको बैक करना चाहिए जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरह से उन्होंने कल एग्रेसर का रोल प्ले किया है वो बिल्कुल सही था। I think this justifies the statement that runs आने चाहिए चाहे कैसे भी आए, doesn't matter how they're coming until they're coming, and the way he played it was actually a good turnaround. जिस हिसाब से इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था उसके बाद मैच में वापसी करवाना और वो भी एग्रेसिव रोल प्ले करके, एक तो स्किल लेवल बहुत चाहिए उसके लिए टू क्लियर द बाउंड्री एट विल ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजंस। यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल लेवल फॉर दैट, यू नीड अ गुड माइंडसेट। आई थिंक वो ही बात है, जब आप इस लेवल पे खेल रहे होते हैं तो टेक्निक बैक सीट ले लेती है और माइंडसेट फ्रंट रो पे आ जाता है, माइंडसेट ड्राइवर सीट पे आ जाता है ना। माइंडसेट अच्छा है, आई थिंक ही नोज व्हाट ही हैज टू डू, ही इज क्रिस्टल क्लियर इन हिज माइंड।
let's move on to the next segment. Best tweets before day four. Medium pace Dobler says, crucial first session in Chennai coming up. Either England will bowl out India and be able to push for victory, or India will frustrate England and take a big step towards saving the game. Having played well so far, can England seize the initiative decisively? Swati, the way India have batted so far and the way England have bowled so far, where do you see this game going? Do you see India surviving, or do you see England racking up the wickets against India? At this moment, I would say it's England's game. And it depends on the partnership between Washington Sundar and Ashwin. If they don't throw away their wicket in the first hour, I think India can hope for a miracle. But I think their first aim would be to, you know, reach the follow-on target, reach the mark of 378. And then I think they will change their tactics and will think about batting for a long period. But at this moment, I would think England is on top. Tall task ahead of them, because 121 runs are still required to avoid that dreaded follow-on. Filhal, India 257 for 6 pe hai. 378 runs is the mark to avoid the follow-on. 121 runs still required. It will be a tall task. It will be a tough job for Ravichandran Ashwin and Washington Sundar, the two men from Tamil Nadu itself. So they have got it in them. It's just about showing grit and staying out there at the crease for long periods of time. Let's move on to the second tweet. Mohammad Noman Kazi says, Asian teams struggling at their own backyard. Bangladesh are done and dusted by an out-of-the-world innings from Kyle Mayers. India on the edge of getting a follow-on. Pakistan just got one wicket in the third day. Who do you think can make a comeback? I think three matches jo humne dekhe, Bangladesh, West Indies, Pakistan, South Africa or India, England. Teenon mein aisa hua hai ki Asian teams ko ek setback dekhne ko mila hai. But Pakistan have done fairly well, I think. Pehla match unhone jeeta, dusre match mein thoda sa setback unhe dekhne ko mila hai. Kya lagta hai aapko? Kya reason hai Asian teams ki aisi performance ka Asian conditions mein? I think ye test cricket ke liye bhi achha hai ki host ko itna advantage nahi hai, ek balance hai aur जो विजिटिंग टीम है उनको भी एक होप रहेगी कि हाँ हम एशिया में जाके एशियन टीम्स को कॉम्पीट कर सकते हैं. तो एक टेस्ट क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा रहा है. आई थिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश गेम की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ जी ने जो कल खेला वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था. काइल मेयर्स का जो डेब्यूट इनिंग्स थी, डबल सेंचुरी थी, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला चीज़ थी. तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने खेला स्पिन में बांग्लादेश के स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो हैट्स ऑफ है. पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में आई थिंक आज डे 5 है, पिच और टर्न करेगा तो आई थिंक पाकिस्तान विल कम बैक और 235 डे 5 के पिच पे बनाना साउथ अफ्रीका के लिए इजी नहीं रहेगा. तो अभी भी एडवांटेज आई थिंक पाकिस्तान को ही है. और जहां तक बात की जाए इंग्लैंड और इंडिया की, गेम अभी ओवर नहीं हुआ है. हाँ, इंग्लैंड को एडवांटेज है, बट जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया टूर पर देखा कि इंडिया फाइट बैक करता है और होपफुली इस गेम में भी फाइट बैक होगा. और सबसे पहला जैसे मैंने बताया टारगेट उनका यही हुआ कि सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड को खिलाए और अगर 100 से कम पे भी वो लीड को ले आते हैं तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए सेकेंड इनिंग्स में बैट करना डिफिकल्ट होगा स्पिन के अगेंस्ट. और आई थिंक इंडिया यही चाहेगा कि जो लास्ट सीरीज के अंदर मिरेकल हुआ था वही मिरेकल इस चेन्नई टेस्ट में भी वो करें. जी बिल्कुल, एक चीज जो हमने सिमिलर देखी है ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी और बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज में भी, जिस बल्लेबाज ने पेडल पे प्रेस किया है हार्ड, एग्रेसिव अप्रोच अपनाने की कोशिश की है, जैसे हमने काइल मेयर्स देखा 310 गेंदों में 210 रन उन्होंने लगाए. ऋषभ पंत ने सेम चीज की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लास्ट डे में और फिर से कमबैक करवाने में कामयाब रहे अपने एग्रेसिव अप्रोच से. सो आई थिंक टीम्स माइट लुक एट इट एंड से दैट माइट एज वेल गो ऑल इन और एंड वी शुडंट जस्ट प्ले फॉर द ड्रॉ. I think ये एक lesson है कि you should be playing for the win, not just for the draw. Indian team has had that philosophy for a long time. और कल West Indies ने भी यही करके दिखाया. So I think it's a good lesson for all the teams because जब चौथी innings में आप आते आते आप डर जाते हैं कि हमसे 250 रन भी नहीं बनेंगे, 275 भी नहीं बनेंगे. But कल हमने देखा West Indies ने 395 का target chase किया, India ने 300 plus chase किया. बस अप्रोच की बात है, माइंडसेट की बात है. लेट्स मूव ऑन टू द स्कोर कार्ड.
let's give you a preview after day three stumps. England, of course, scored 578 all out with notable performances from Joe Root, 218, Ben Stokes, 82, and Ollie Pope, Josh Butler, and Dominic Dom Seb contributing with good 30s. Indian bowling attack, Ishan Sharma bowled fabulously, I think, 27 overs, 52 runs, and a couple of wickets. Jasprit Bumrah got 3 wickets, always in the wickets. First test match for him in Indian conditions, which is a surprise. But he did well, I think, with that old ball also. He bowled well, got some reverse swing, and it was doing the talking for him. Ravichandran Ashwin, 3 wicket unhone nikale, lambe spell dale. Shahbaz Nadeem ne lambe spell dale, thode expensive, 2 wicket ke saath. Washington Sundar was a little unlucky as a few chances were not grabbed off his bowling. Rohit Sharma ne 2 over bhi phenke. India 257 for 6 in a spot of bother right now. 74 ओवर खेले हैं, रन रेट इनका अच्छा है, स्टिल दे आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर. एज आई सेड अर्लियर, 121 रन्स अवे फ्रॉम अवॉइडिंग दैट ड्रेडेड फॉलो ऑन. कैन दे डू दैट? वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट. रोहित शर्मा गेटिंग आउट अर्ली टू जोफ्रा आर्चर. शुभमन गिल वेरी फ्लुएंट, 29 ऑफ 28, बट गॉट आउट एट द रॉन्ग टाइम. माइट हैव गॉटन कैरीड अवे, बट द बॉल जस्ट स्टॉपिंग ऑन हिम. And he played that drive a little early. James Anderson taking an absolutely fabulous catch. Cheteshwar Pujara, 73 of 143, good as ever. Virat Kohli getting out early again. Last 10 innings for Virat Kohli, only 150. What do you think is the reason for Virat Kohli's little slide down in of his graph in Test cricket? आई थिंक विराट कोहली की फॉर्म को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत जल्दी कम बैक करते हैं, उनके ज़्यादा सेटबैक नहीं रहते, ज़्यादा टाइम तक वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहते हैं. एक पैच हर किसी क्रिकेटर की लाइफ में आता है, करियर में आता है, तो आई थिंक वो छोटा सा सेटबैक है जो काफ़ी जल्दी वो कम बैक कर पाएंगे. हमने देखा है कि विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट वो इतना खास नहीं है. 53 के एवरेज जरूर है, लेकिन वो सेकेंड इनिंग्स के अंदर थोड़ा इंडियन पिचेस के अंदर स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट. और आई थिंक डॉम बेस्ट ने जैसे सीरीज से पहले ही कहा था कि विराट कोहली उनका प्राइम टारगेट रहेंगे, और उनका अगर विकेट मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको होगी. और कल पहला विकेट डोमिनिक बेस्ट को विराट कोहली का मिला, तो आई थिंक विराट कोहली को सिर्फ यही रहेगा कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट आउट होना उनके लिए आई थिंक एक डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि इंडियन पिचेस में वो खेलने के आदी हैं. तो विराट कोहली कम बैक करेंगे, लेकिन आई थिंक उनको अपनी स्पिनर्स के अगेंस्ट टेक्निक पे देखना पड़ेगा. जैसे कल हमने देखा पिच में, क्योंकि वो फॉरवर्ड आके खेले और हार्ड हैंड से खेले, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि इंडियन पिचेस के अंदर सॉफ्ट हैंड से खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन विराट कोहली थोड़ा हार्ड हैंड से खेले और काफ़ी स्ट्राइड फॉरवर्ड करके खेले, क्योंकि जिस पिच में बाउंस ज़्यादा है वहाँ पर आई थिंक बैक फुट पर खेलना ज़्यादा बेटर रहेगा. बट विराट कोहली ने हार्ड हैंड से खेल के स्ट्राइट फॉरवर्ड लेके एक चांस दिया, इसलिए मेरे हिसाब से वो एक सॉफ्ट डिसमिसल था. पिच पे इतना कोई टर्न नहीं था, कुछ बाउंस था जो आई थिंक विराट कोहली का आउट करने में सफल रहा. तो विराट कोहली आई थिंक सेकेंड इनिंग में कम बैक कर सकते हैं, उम्मीद है, और उनका यही एम रहेगा कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट वो अपना विकेट थ्रो अवे ना करें. मुझे लग रहा था ही वॉज कॉट जैबिंग ऑन द बॉल, थोड़ा सा हार्ड हैंड से गए और बॉडी से दूर भी खेले. अगर आप बैट और पैड के बीच में वहां गैप देखेंगे तो काफी ज्यादा था, और जब गेंद बाउंस हो रही होती है और आप बॉडी से दूर से खेलेंगे तो बॉडी का शोल्डर लग के शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट कहीं पे तो छल के कैच हो ही जाएगी. सो आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन दिस अगेंस्ट द स्पिनर्स, क्योंकि टर्न अभी भी ज्यादा नहीं था. And he must have been disappointed, really, really disappointed the way he got out, because he was looking very comfortable at the crease. Aisa kuch zyada harkat ho nahi rahi thi, and convert nahi kar pa rahe hain pichle kuch samay se. Conversion rate Virat Kohli ka hamesha hi kafi achha raha hai, but pichle kuch samay se he's not been that good at it. But let's hope he makes a quick comeback, maybe soon in the coming test. We'll have to wait and watch for that. Let's move on for the scorecard. Ajinkya Rahane getting out to Joe Root's fabulous catch at covers. Rishabh Pant bringing India back into the game. 91 of 88 with 5 huge sixes and 9 boundaries. Washington Sundar, 33 of 68. And Ravichandran Ashwin, 8 of 54. Both of them have played really well. They are at the crease right now, stitching together a good partnership, trying to bring India back into this game. And then the England bowlers, a couple of wickets for Jofra Archer, 4 wickets for Dom Best. Dom Best ki gendbazi ke baare mein kya kahenge Swati? Unhone achhi gendbazi ki hai ya Indian batsmen ne kabhi kabhi unhe apni
विकेट गिफ्ट कर दिए या फिर लकी रहे हैं? हाउ वेल हैज ही बोल्ड फॉर दोस फोर विकेट्स डोम्बेस? ठीक, कुछ डिसमिसल्स लकी जरूर रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो लकी डिसमिसल्स आए इसलिए क्योंकि उन्होंने गेंदें को एक लाइन और लेंथ पे रखा है, ज़्यादा गैप नहीं दिया है, ज़्यादा स्पेस नहीं दिया है बैट्समैन को। तो आई थिंक जब आप एक प्लान के हिसाब से बॉलिंग करते हैं तो एक प्रेशर बढ़ता है और टीम जो है, अपोजिशन टीम जो है, वो कुछ अलग खेलने की कोशिश करती है, उसी वजह से विकेट्स आते हैं। तो डोमिनिक बेस्ट ने कल प्लान के हिसाब से बॉलिंग करी, काफ़ी अच्छी गेंदें कराई और उनका ये पहला इंडिया टूर है, तो पहले इंडियन टूर के अंदर एक अच्छी गेंदबाजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिनर के लिए। एक प्रेशर होता है कि इंडियन पिचेस के अंदर स्पिनर्स को स्कोर करना है। आई थिंक उन्होंने प्रेशर को अच्छे बखूबी से लिया है और परफॉर्म किया है। आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज थी वहाँ से उनको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला और वही कॉन्फिडेंस वो यहाँ पर भी दिखा पाए हैं। जैक लीच का जैसे बात की जाए, आई थिंक ऋषभ पंत ने और चेतेश्वर पुजारा ने काफ़ी अच्छा काउंटर अटैक किया था और जैक लीच को सेटल नहीं होने दिया था। तो आई थिंक आज जैक लीच कोशिश करेंगे कि एक डिफरेंट गेम प्लान के साथ आए और जो रफ है उसको यूटिलाइज अच्छे से करें। बट देखा जाए तो आज वाशिंगटन सुंदर और अश्विन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नई गेंद को खेलना, क्योंकि सिर्फ 6 ओवर ही बचे हैं नई गेंद के लिए। और आई थिंक जोफ्रा आर्चर सबसे घातक साबित होने वाले हैं क्योंकि कल हमने जैसे देखा जो उनका फर्स्ट स्पेल था वो काफ़ी अच्छा था और रोहित शर्मा का जैसे हमने विकेट देखा। तो आई थिंक पहली नई गेंद को जो है उनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा और 10 या 15 ओवर के बाद आई थिंक इंडिया कम्फर्टेबल फील करेगी। तो आई थिंक अभी आर्चर और एंडरसन ज्यादा घातक साबित होने वाले नई गेंद से। जी, जो चीज हमने नोटिस करी, पिच में ज्यादा हेल्प नहीं थी सीमर्स के लिए, ज्यादा हरकत नहीं हो रही थी, लैटरल मूवमेंट नहीं थी। जोहरा आर्चर ने फिर भी हेल्प डिराइव करी, बिकॉज उनका जो कंधे का जोर और रिस्ट का जोर लगता है उससे बाउंस भी होती है गेंद, पेस भी उनकी काफी रैंक अप होती है, एंड यू कैन इजिली बोल 130 एंड 150 एज वेल। तो पेस वेरी कर रहे थे, लाइन वेरी कर रहे थे, लेंथ वेरी कर रहे थे, दैट्स व्हाट इज डन रियली वेल, एंड इंग्लैंड सीमर्स हैव लुक्ड बेटर, इन पर्टिकुलर जोफ्रा आर्चर, ही हैज ट्रबल्ड द इंडियन बैट्समैन विद पेस। जो रॉ पेस है वो बहुत मदद करती है उन्हें, वो बहुत हेल्प करती है बैट्समैन को ट्रबल करने में। एंड इंडिया 121 रन्स अवे फ्रॉम द फॉलो ऑन एंड लॉन्ग वे अवे फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ इंग्लैंड 200 प्लस, दैट इज 321 रन्स, एंड इट विल बी अ टफ ऑर्डर फॉर देम, टफ टास्क फॉर देम। विल दे बी एबल टू रजिस्टर अ कमबैक इन दिस गेम एज दे हैव डन मिरेक्युलसली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? वील हैव टू वेट अगेन, डे 4 ऑन योर वे. We'll see what happens when the match begins. Washington Sundar and Ashwin at the crease, stitching a partnership, trying to stitch together a partnership to make India come back into this game. We'll see you again tomorrow. Swati and I will be again at your service. We'll see you again. Keep watching Sports Tiger.